This video is sponsored by Pixtoonz Animation Studio. देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज चैनल। पेपर लीक। 12वीं इकोनॉमिक्स की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को, 10वीं गणित पर फैसला बाद में। पेपर लीक के मुद्दे पर व्यापक जनाक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 12वीं कक्षा के अर्थशास्त्र विषय की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। वहीं 10वीं कक्षा के गणित विषय की दोबारा परीक्षा जरूरत पड़ने पर जुलाई में सिर्फ दिल्ली NCR और हरियाणा के लिए कराई जा सकती है। इस बीच ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज कहा कि वो अदालत की निगरानी वाली जाँच की मांग को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा। 10वीं कक्षा के गणित विषय की दोबारा परीक्षा देश भर में कराने से इनकार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली NCR और हरियाणा के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला अगले 15 दिनों में किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि विस्तृत जांच के बाद ये फैसला होगा। दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को तकलीफ दे रही है। पेपर लीक के मुद्दे पर आक्रोश देश भर में फैल गया है। दिल्ली में छात्रों व NSUI और दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किए और CBSE पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। इसी बीच पेपर लीक के सिलसिले में झारखंड के चतरा जिले में 6 छात्रों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस ने गूगल को पत्र लिखकर उस ईमेल पते का ब्यौरा मांगा है जहाँ से CBSE के अध्यक्ष को 10वीं कक्षा के गणित के पेपर लीक होने का बारे में ईमेल भेजा गया था। पुलिस ने इस मामले में 10 और लोगों से पूछताछ की है और CBSE के परीक्षा नियंत्रक से बातचीत की। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा शिक्षकों और छात्रों के व्यापक हित में संवेदनशील सरकार ने 10वीं कक्षा के गणित विषय की देशव्यापी परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया है। पुलिस से अंतिम सूचना मिलने के बाद ही दिल्ली हरियाणा में परीक्षा कराई जाएगी, वो भी जरूरत पड़ने पर जुलाई में आयोजित की जाएगी। 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के भावी करियर पर असर नहीं पड़ने इसलिए उनके हित में अर्थशास्त्र विषय की दोबारा परीक्षा 25 अप्रैल को होगी। लिहाजा आप कोई भ्रम नहीं है, शुभकामनाएं। CBSE पेपर लीक मुद्दे पर तूल पकड़ने के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन छात्रों एवं अभिभावकों के लिए दूसरी पुस्तक लिखने की सलाह दी जिसकी जिंदगी प्रश्न पत्र लीक होने से तबाह हो गई है। राहुल ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा, प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव से राहत देने के बारे में शिक्षा देने के लिए एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स लिखी थी। उन्होंने कहा, अगला कदम एग्जाम वॉरियर्स 2, छात्रों एवं अभिभावकों को प्रश्न पत्र लीक होने के कारण उनका जीवन तबाह होने के बाद उन्हें तनाव से राहत देने के बारे में शिक्षा देने के लिए पुस्तक। राहुल ने अपने ट्वीट पर इस ट्वीट के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स और उसकी 2 तस्वीरें भी टैग किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने छात्रों और उनके माता पिता से CBSE के लीक हुए पर्चों की पुनः परीक्षा का बहिष्कार करने को कहा। ठाकरे ने संवाददाताओं से कहा, सरकार पुनः परीक्षा का ऐलान करके छात्रों को तनाव दे रही है, ये सरकार की गलती थी और उसे इसकी गलत कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अभिभावकों से आग्रह करता हूँ कि छात्रों को फिर से परीक्षा देनी ना पड़े। अगर वो आज झुक गए तो आगे भी सरकार इन्हीं चीज़ों में शामिल होगी।